हेलो फ्रेंड, नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है कि साटिका की प्रॉब्लम का कैसे आप इलाज करेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट चिकित्सा पद्धति से उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करके, और हम ये भी जानेंगे कि साटिका कितने टाइप की होती है और साटिका की प्रॉब्लम को कैसे हम पहचाने कि हमको मतलब साटिका की प्रॉब्लम हो गई है। अगर कोई भी इसका पेशेंट है तो बस ये पता होता है कि पैरों में दर्द हो रही है और उसके सिम्टम्स को और पहचान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली हाँ साटिका का ये प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी साटिका का पेशेंट है तो क्या होता है कि जो पैरों में ना इसे लगता है कि झंझनाहट टाइप का होता है। इसके बाद कभी कभी ऐसा फील होगा कि पैर में जान नहीं है, निर्जीव जैसा फील होता है पैरों में, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना और पेन भी होना, आसानी पेन भी होता है इसमें कभी कभी अगर साटिका का प्रॉब्लम है तो। आपको जैसा कि इमेज में दिख रहा है साटिका जो होता है टू टाइप्स का होता है। अगर आपको जो बैक साइड में पेन है साटिका नर्व जैसे कि आपको इमेज में दिख रही है तो इसमें क्या है कि ये यूबी टाइप का साटिका हो गया, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड साटिका की प्रॉब्लम हो गई। और एक है गाल ब्लैडर साटिका। तो ये जो जीबी गाल ब्लैडर की साटिका है वो क्या होती है कि पैरों के साइड में होती है, बैक साइड में होके साइड में होती है। ये साइड में पेन होता है, सबको फील होता है ये, अगर जब गाल ब्लैडर टाइप की साटिका है। अगर आपको ये दोनों टाइप की साइटिका में से कोई भी साइटिका हो, अगर बैक साइड में है तो यूरिनरी ब्लैडर की साइटिका हो गई, अगर आपको साइड में पैरों में दर्द हो रहा है तो वो गाल ब्लैडर टाइप की साइटिका होगी। और साइटिका का पेन स्टार्ट कैसे होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है पहले वो लोअर बैक पेन से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो पकड़ते पकड़ते क्या होती है पूरे पैर को कवर कर लेती है साइटिका की प्रॉब्लम जो होती है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं कि अपने हाथों में आएंगे। तो अपने हाथों में यहाँ पे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट होती है, ये हमारे ब्लैडर के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। राइट, यहाँ पे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना क्या है आपको कि 4 से 5 सेकंड के लिए, आपको एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना क्या है, 4 से 5 सेकंड के लिए आपको इसे प्रेशर देना है। इस पर प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए क्लस्टर मैग्नेट, ये क्लस्टर मैग्नेट पेपर टिप चाहिए। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लगाना है इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। आपको ऐसे लगा लेना है, दोनों बायलेटरल होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट, आप देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया है, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट लगा लेना है आपको, ये होगा। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ कहाँ पे मसाज देना है तो अपने हाथों में आएंगे। ये जो दोनों फिंगर होती है ये हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करती है सुजोग चिकित्सा के हिसाब से। तो इस पे क्या करना है आपको कि ये जो हमारा आप ऐसे करते आएंगे तो यहाँ पे स्टॉप होगा, रुकावट आपको फील होगा। तो यहाँ तक आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मसाज करना है, ऑयल लेना है कुछ। अगर आपको बैक पेन से लेकर साटिका तक की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा मसाज ऑयल ले लेना है। उसके बाद आपको जो फिंगर है हमारी, ये दोनों फिंगर, इसको और यहाँ तक इसको आपको ऐसे से मसाज करना है, ऐसे से, नाखून एकदम आपके बड़े नहीं हो इस बात का खास ध्यान रखिए आप, ऐसे ऐसे मसाज करना है आपको ये दोनों फिंगर के ऐसे साइड में, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे मसाज करना है दोनों फिंगर पे, ऐसे ऐसे आप देखेंगे अगर जो साइटिका के परेशान हुए पेन से आप बहुत ही परेशान है तो आपको रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये जरूर इलाज करिए जो साइटिका का, ऐसे मसाज करके मैं बता रही हूँ, ये दोनों है ये हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करता है इसलिए आपको इस पे करना है। आप चाहे तो पूरे फिंगर में भी ऐसे ऐसे ऑयल लगा के कर सकते हैं मसाज, आप ऐसे ऐसे करें साइड साइड में इसको पूरे फिंगर में, और यहाँ पे जरूर करें यहाँ तक आपको ऐसे। अगर बैक लेकर के आपको पेन हो रहा है साटिका की प्रॉब्लम से तो आपको पूरा इधर तक मसाज करना है मसाज ऑयल लेके, जैसे कि मैं कर रही हूँ आप ध्यान से देख सकते हैं। ऐसे आपको पर डे 2 से 3 मिनट के लिए करना है मसाज, दिन में 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे मसाज करना है करेंगे क्या पर डे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये बायलिटरल होगा, आपको दोनों हाथों में करना है, दोनों हाथों में करना है, इस हैंड में भी लेफ्ट और राइट हैंड में भी। आपको पर डे 2 से 3 मिनट के लिए 3 मिनट इसमें करिए 3 मिनट इसमें करिए पर डे करिए आप, तो आप देखेंगे कि जो आपकी साइटिका की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बहुत पुरानी प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा वक्त जाएगा, पर आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट करिए आप जरूर इससे छुटकारा पा जाएंगे। अगर नई साइटिका की प्रॉब्लम हुई है तो आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा जाएंगे। अभी ट्रीटमेंट तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। मैग्नेट थेरेपी आप रात को सोते टाइम 6 से 8 घंटे के लिए लगा लीजिए दोनों हाथों में। ये मसाज आप दिन में जब टाइम मिलता है तब आप कर लीजिए, जैसे मैंने बताया है आपको पर डे। आपकी ये प्रॉब्लम देखेंगे कि आप
सही हो जाएगी, बहुत ही आपको तुरंत रिलैक्स फील होने लगेगा। अगर आप साइटिका से परेशान है तब आप देखेंगे कि तुरंत आपको रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान है तो कमेंट में जरूर हमारे साथ शेयर करें, उस टॉपिक पे आपकी वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।